हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने पेपर क्राफ्ट बनाया है शादी के कार्ड से। चलो देखते हैं कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, मेरे पास शादी के कार्ड पड़े हुए थे तो इसीलिए मैंने ये शादी के कार्ड से बनाया है। आप किसी भी पेपर से बना सकते हैं। ये मैंने पेपर को गोल आकार में काट लिया है, अलग-अलग साइज में, तीन चार अलग साइज में बनाए हैं, तीन चार अलग साइज में बनाए हैं। आप भी किसी भी साइज में बना सकते हैं, छोटा बड़ा, लेकिन गोल आकार में बनाए हैं मैंने। ये मैंने मोटे शादी के कार्ड पे बनाया है तो इसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ करके और अलग अलग आराम से काटा है। आप किसी भी थिन पतले पेपर पर इसे काट सकते हो। पतला पेपर आराम से फोल्ड हो जाता है और कटिंग भी हो जाती है, मोटे पेपर में फोल्ड नहीं होता है मोटा पेपर, और कटिंग करना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ करके अलग से और आराम से धीरे धीरे इसको काटा है। मैंने ये पैन के ढक्कन से गोले गोले ड्रॉ कर लिए हैं। चलो देखते हैं कैसे बनाया है मैंने इसे, इसकी कटिंग कैसे करी है। पतले पेपर से बनाओ तो आराम से वो फोल्ड हो जाता है और एक ही बार में कटिंग बड़े आराम से हो जाती है, मोटे में थोड़ा मुश्किल होता है। और मेरी कैंची भी नहीं अच्छी है, इसीलिए मैंने इसे एक एक करके आराम से काटा है। यहाँ मैंने इसके ऊपर ये गोल्डन कलर कर दिया है, मेरे पास कलर नहीं था, मैंने इसको बहुत पास से करा है इसलिए इसमें धब्बे धब्बे से हो गए। इसको दूर से करना चाहिए तब अच्छा से कलर आता है इसमें। ये तीन तो मैंने गोल्डन कलर में कर दिए हैं और बाकी मैंने सिल्वर कलर में करा है। यहाँ टूथपिक लेके या कोई भी स्टिक लेके उससे ये निशान बना सकते हैं। मैंने तो इसी लोहे की स्टिक लेके उसी से ये निशान बनाए हैं। यहाँ मैंने इसे डबल टेप से चिपका दिया है और मेरी दीवार भी सज गई है।
मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और एक लाइक सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।